अमेरिका में कोरोना वायरस का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा। इस महामारी से संक्रमित लोगों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इसी के साथ मौतों का सिलसिला भी वहां पर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों की अगर बात की जाए तो अमेरिका में 2,228 लोगों की मौत हो गई। इसी बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस भयंकर बीमारी को प्रसार के लिए WHO को भी जिम्मेदार मानते हुए स्वास्थ्य संगठन की फंडिंग रोकने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन इस बीमारी से पहले ही अवगत था, लेकिन संस्था ने पूरी दुनिया को इसकी गंभीरता से छुपाया। इसका परिणाम सभी देश अपने अपने नागरिकों की जान गंवा कर चुका रहे हैं। पूरी दुनिया कोरोना संक्रमण के दौर से फिलहाल गुजर रही है। कोरोना वायरस के मृतकों की संख्या में रोजाना बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से अभी तक 1,26,753 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि 19 लाख से ज्यादा लोग इस वायरस के चलते संक्रमित हैं। अमेरिका में स्थिति और अधिक गंभीर होती जा रही है। दुनिया भर के कई हिस्सों में फिलहाल लॉकडाउन जारी है।